मैं हूँ रिधिमा पंडित. सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ करंस यूट्यूब चैनल राइट नाउ. अभी अभी हमारी शेरनी बिग बॉस ओटीटी से बाहर निकली है रिधिमा पंडित. कैसी हो मेरे दोस्त? घायल हूँ, घायल. बहुत दुख हो रहा है यार. आई कांट बिलीव इट कि आई एम इविक्टेड. रिधिमा ये बताओ, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें घर से एलिमिनेट किया गया? डू यू थिंक इट वॉज अनफेयर? पार्शियलिटी की गई थी? कारण क्या हो सकता है? नो, आई डोंट थिंक पार्शियलिटी है. ये शो का कॉन्सेप्ट है अबाउट द कनेक्शंस वर्किंग आउट वेल, एंड ये हमारा पहला कनेक्शन है जो इविक्ट हो गया. सो इट्स द कॉन्सेप्ट, यू हैव टू रिस्पेक्ट द गेम शोज बेसिक कॉन्सेप्ट. बट मुझे काफी सारे वोट्स मिले ऐसे, मुझे कहा गया, मैंने एक भी एपिसोड देखा नहीं बाहर आने के बाद. सो आई रियली डोंट नो वेयर इट वेंट रॉन्ग, व्हाट हैपेंड, बट या अनफॉर्चूनेट. तो सुनो, मैं लास्ट वीक उर्फी से बात कर रहा था. उर्फी ने मुझसे कहा कि जब दिव्या पे केमिकल डाला गया था टास्क में, उसके बाद आपका रोना जो था वो बिल्कुल गलत था. व्हाई डिड यू क्राई? एंड उर्फी के इस बात पर तुम्हें क्या कहना है? गलत था मुझे नहीं लगता, बिकॉज मैं एक इमोशनल इंसान हूँ. अगर मेरे वजह से किसी को भी किसी भी प्रकार का हार्म हो, बी इट मेंटल और फिजिकल, आई होल्ड माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल. और मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था कि वो डेटॉल उसकी आंखों में जाए. हुआ ये कि एक्चुअली अक्षरा जी ने वो बॉटल लाई एंड दे सेड तुम तो कुछ करोगी नहीं, बिकॉज मैं बहुत डर रही थी सबको ऐसे परेशान करने में, यू नो. तो मैंने बोला नहीं नहीं मैं टीम प्लेयर हूँ, ला लो मैं डालती हूँ करके मैंने उनके हाथ से लिया और मैं उनके बाल में डालने गई. पता नहीं वो क्या हुआ कि गलती से उनके आंख में चला गया. एंड ऑब्वियसली उनकी उनको तकलीफ हो रही थी. आई कुडंट सी दैट, यू नो, आई एम नॉट दैट पर्सन. किसी को मेरी वजह से हार्म हुआ तो आई क्राइड. लोग मुझे बोल रहे पागल हो कि तुमने तो एक्चुअली उनको उतार दिया, यू डिड व्हाट वाज टू बी अचीव, बट दैट्स नॉट द वे. आई वुडंट डू दैट टू समवन. यू नो, लोग कह रहे हैं जो दिख रहा है करण जौहर और दिव्या अग्रवाल लॉगर हेड्स पे है, एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से. हु डू यू एक्चुअली सपोर्ट अमंगस्ट दीज टू? I don't support because मेरे हिसाब से ये कोई battle नहीं है. एक host की duty होती है कि बाहर जो एक general perception है वो आकर हमारे साथ share करे, हमें guide करे, which Karan Johar is doing and he's doing a fab job at it. He's just being himself and what he's supposed to do. So I do not take this as he bashing her or citing someone. I think he's doing his job. You know, कहा जा रहा है कि शमिता शेट्टी especially express कर रही है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है घर में, यू नो, क्योंकि वो एक फिल्म परिवार से हैं, उसके वजह से यू नो पीपल उनको एलिनेट कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उस पे तुम्हारी राय? एक्चुअली ऐसा मेरे तरफ से तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज मैं तो शमिता के साथ तीसरी बार काम कर रही हूँ एंड शी इज एक्सट्रीमली वार्म, वी आर वेरी वेरी कॉर्डियल. इनफैक्ट वी ग्रू मोर फॉन्ड ऑफ ईच अदर ओवर हियर. बट यहाँ पे एक मजाक में एक जोक चल रहा था टाटा बाटा का कि यू नो ये टाटा के बच्चे है, एकदम अमीर परिवार से आते हैं, हम कहाँ से आते. ऐसा कुछ था ही नहीं. थिंक गॉड इट वॉज अ जोक विच गॉट ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन. सो ऐसा एक्चुअली शमिता को अगर लग रहा है तो वो गलत है, ऐसी बात नहीं. आई डोंट थिंक एनीबडी इज डिस्क्रिमिनेटिंग, एवरीवन्स एन इक्वल आउट देयर. ओके, योर फाइट जो झगड़ा हुआ था प्रतीक सेजपाल के साथ, बहुत लाउड था, बहुत आउट देयर था, ऐसा रूप रिधिमा का किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. डू यू थिंक दैट वर्क्ड अगेंस्ट यू? एक्चुअली अगर आपको याद होगा सिद्धार्थ, तो मैंने अंदर जाने के पहले भी कहा था कि मैं जब अंदर जाऊंगी तो आई विल बी माई सेल्फ. एंड मेरी पर्सनैलिटी इसके बहुत सारे पहलू है, इंक्लूडिंग दिस वन. व्हेन आई एम पुश्ड टू द ब्रिंक, व्हेन आई एम बुलीड टू द पॉइंट वेयर आई सी नो रिटर्न एंड आई हैव टू डिफेंड माई सेल्फ, इट्स ह्यूमन टू लूज कंट्रोल, इट्स ह्यूमन टू अब्यूज, एंड इट्स ऑल्सो माई पार्ट टू गो अपोलोजाइज फॉर एनीथिंग रॉन्ग दैट आई डिड. बट ज्यादा मुझे लगा कि मुझे पोक किया जा रहा था, दूसरे तीसरे दिन से मुझे टारगेट किया जा रहा था. जब वो स्टेटमेंट कही गई कि क्या करे, दवाई लाके दो, दवाई, आई कुड नॉट bear it. I still do not accept it because I take this hormonal pill jo as per Big Boss rules you cannot just leave it unattended. So they specially call you to the medical room, they're very very responsible like that. And main jaati thi aur main wo dawai leti thi, mujhe daily leni hai wo dawai. Next thing you know, jab mujhe is par poke kiya gaya, it was absolutely unbearable for me because my father is watching the show aur उन्हें लगेगा कि मैं ऐसी कौन सी दवाई ले रही हूँ जिसकी जरूरत है. टेक्निकली अगर मैं कुछ दवाई ले भी रही हूँ, दिस इज माय पर्सनल बिजनेस. आई एम गोइंग थ्रू द बिगेस्ट लॉस ऑफ माय लाइफ. इफ आई एम गोइंग थ्रू एंग्जायटी एटसेट्रा,
this is my mental health that I'm trying to protect. So it is nobody's business. It wasn't in the first place. And I'm glad I gave it back. Whether it worked in my favor or it did not, I don't care. This is me. Take it or leave it wala hisab hai. Main yahan par logo ko please nahi kar sakti jab I am pushed to the brink. And Prateek aur maine bahut hi mature adults ki tarah ise clarify bhi kiya. Aur Prateek ko maine pucha tumne aisa kyun kaha? To unhone kaha ke are kyunki is pure ghar mein sab log mujhe bolte hai ki dawai do to maine bhi aapko bol diya dawai do dawai do. It was such a silly misunderstanding and it got blown out of proportion, you know, dono ki taraf se. And we both apologized like mature adults. In fact, towards the end, we were better off as friends. You know, you call a school of thought, and I want to represent the Indian public, Ridhima. Log hamari awaaz hai jo kehte hai ki shayad Ridhima ka elimination hua kyunki unka connection jo tha Karan Nath was weak. Karan itna express nahi karte hain. He's not out there. Wo apne mein rehte hain. And a lot of people even felt ki unhone apne aap ko dikhaya nahi, darshaya nahi jitna hona chahiye tha. Do you feel Karan Nath was a weak connection as to what certain segment of the public felt? See, Karan is a fabulous guy. He's also a real guy just like me. Wo aur main kafi similar hai bahut sare matters mein. Jab hume pehle weekend ke baare pe pata chal gaya ki this game is only about connections, okay? That means automatically I had to spend all my time with Karan. अब करण की पर्सनालिटी है थोड़ी क्वाइट, मैं थोड़ी एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो अब मुझे नहीं पता है कि बाहर क्या दर्शाया गया. आई वाज टोल्ड आई वाज नॉट आई वाज बेयरली सीन यू नो इन दोज मोमेंट्स. बट आल्सो अभी मुझे मेरे पार्टनर के साथ कनेक्शन भी बनाना है, सो आई डोंट नो अभी मैं दिखूं भी मैं कनेक्शन भी बनाऊं या तो आप मुझे मेरा सोलो गेम खेलने दीजिए जो पॉसिबल नहीं है इस शो के कॉन्सेप्ट के थ्रू. सो आई डोंट नो, मुझे लगता है हमारा कनेक्शन ऑडियंसेस के लिए काम नहीं किया. सो वी एज अ कनेक्शन टर्न्ड आउट टू बी वीक, बट इसमें करण की कोई मिस्टेक नहीं है. करण की जो पर्सनालिटी है वो झलक कर आई है और जो मेरी है वो झलक कर आई है. इनफैक्ट मैं करण से कल बात कर रहा था एंड लेट मी टेल यू ही ऑब्वियसली सेड कि रिधिमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, एक स्पेशल कनेक्शन है. और मैंने दंके की चोट स्टाइल से बोला मैं भी दिल वाला हूं आप जानती है. मैंने पूछा कि क्या ये बॉन्ड रिधिमा के साथ कैन इट लीड टू अ रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ यू, एंड ही वॉज लाइक फ्रेंडशिप है, आई डोंट नो वेयर लाइफ गोज ऑन. व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? Well, no, I don't think so. Unfortunately, no. I've been hearing बहुत लोगों से कि हम लोग साथ में cute दिखते हैं, etc. But I am जाने के पहले भी शायद मैंने आपको कहा था कि I am at a juncture of my life where I'm not looking for a relationship. Or like I said, प्यार आता है तो मैं आने देती हूँ, but it can't overpower me at this point of time in my life. And he's a great friend. He'll always be one. So you feel there's no chance, no matter what happens. Yeah, I don't think so. And you know, Karan ki bhi dil mein aise intention nahi hoga. Sabne aise dal diya hai. So no, not at all. What do you think about the growing proximity jo hai of Rakesh and Shamita, Moose and Nishant? To ye sab temporary hai. Koi growing proximity tikne wali hai nahi wahan par. Possibly nahi hai. To enjoy kar lo jo jab tak dekh rahe tab tak. Mujhe batao ki maine bhi aap jab Big Boss OTT mein ja rahi thi, we had a chat and I felt very heart to heart connect with you jab aapne apni mata ji ke bare mein baat kiya. In the first week also of Big Boss OTT, you spoke about your mother, aapne apni maa ke bare mein baat kiya. What made you so vulnerable in the first week itself? Actually, you know, jaise humne baat ki thi ki coping mechanism ke taur par main, you know, ja rahi hu andar, it did backfire somewhere because suddenly I didn't have my people around जब मैं वहाँ चली गई रात को. मतलब दिन भर में हमने टास्क किया सब किया, फिर रात जब होती थी ना तो I was just like I can't sleep. Suddenly her face is flashing in front of me, you know, even though she is giving me all the love and strength, but I was missing her terribly. और मैं किससे बात करती? Of course everybody वहाँ पे इतना तो समझते ही है कि she's just lost the most important person in her life, so they were being nice. But मैं रोज ये बात नहीं कर सकती थी ना, I was missing her every single day. So yeah, but I think that's me. I'm a vulnerable person. मैं in general भी हो जाती हूँ, तो ये तो मेरी life की सबसे बड़ी tragedy. और ये आपकी खूबसूरती भी है, because that shows that you have a beautiful heart and a soft heart. And this day and age, Ridhima, जहाँ पे सब लोग survival के लिए fight कर रहे हैं, it's okay to have a soft heart. All right, and I like you for it. Remember. Thank that. You. I think that makes me a winner of your heart. Of course, I had a lot more heart, lots more heart. मुझे ये आप बताओ कि honestly and don't be diplomatic on this please, कौन घर में सांप है, snake है? सांप word तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो
किसी चीज पर नहीं रुकता, या मतलब गेम खेल रहे हैं, तो निशांत और जीशांत दोनों ही बहुत अच्छा खेल रहे हैं इस मामले में. दे वॉन्ट स्टॉप एट एनीथिंग. मुझे निशांत हमेशा कहा भी करते थे कि तू मेरे सामने है तो तू गई, मैं छोड़ूंगा नहीं. सो दे आर केपेबल ऑफ जस्ट यू नो कीपिंग द इक्वेशन साइड एंड प्लेइंग द गेम. आई एम नॉट लाइक दैट, बट नॉट एवरीवन हैज टू बी मी. व्हाट कम्स टू योर माइंड? और आप दिल से बोल सकती है व्हेन आई से प्रतीक सहजपाल. कंफ्यूज्ड. आई डोंट नो व्हाई आई गिव हिम सो मच इंपॉर्टेंस बाय फाइटिंग. पुअर गाय, आई डिडंट इवन इंटेंड टू. जीशान needs to learn more about anxiety. Shamita Shetty finally coming into her own being. Moose rebel sometimes without a cause. Nishant, what a player. What a player. Anil Kapoor, what a player. What a player. Karan coy, very coy. Neha Bhasin, she nags. Divya Agarwal, sharp. Would you want to be friends with Divya when they come out of the house? Would you like I to? I think so. Yes. Thank you, darling. Aur main baar baar yahi kehta hun. You're a gentle soul inside and a tigress outside. It's a bloody lethal combination. Keep it going, lady. Thank you, Sid. Love you. This means so much. Means a lot.